So, yesterday night I was listening to Bhagavad Gita and there were some words which just changed my mind, you know, entirely. I'm a whole new and different person today. And the words that I heard were so powerful that motivated me to record this podcast episodes. And trust me, these are not just spiritual lessons, because in this particular podcast episode, we are going to take out the best life lessons from Bhagavad Gita. And I'm damn sure you are going to love these extremely beautiful lessons. तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, डरो मत, तुम्हारे जो आसपास की चीज़ें हैं, ये तुम्हारा शरीर, लोग, रिलेशंस, वो सब टेम्पररी हैं। यानी कि तुम जिसके लिए इतनी फिक्र कर रहे हो कि मैं अपने ही भाइयों पे हाथ नहीं उठा सकता, मैं अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता भले वो गलत हो, तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तुम इस डर को अपने दिमाग से निकाल दो। आई डोंट लर्न स्पिरिचुअल लेसन्स वेरी मच, इंस्टेड आई फोकस ऑन द लेसन्स विच आई कैन यूज इन माई रियल लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन दिस ऑडियो बुक। दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, अगर कुछ हमेशा के लिए है तो वो सच है। कभी भी सही हो तो किसी चीज़ से डरो मत। अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जो भी अगल बगल में चीज़ें हैं उनको फेस करो बिना किसी डर के। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्न यस्टरडे फ्रॉम अर्जुन विषाद योग। Now the best part about it is you can also relate it with your daily life. For example, आप लोगों को खोने से डरते हो, आप फिक्र करते हो कि यार he is such a big part of my life. But what you don't realize is that they are not permanent. Everything in the world is temporary except the soul. Because your body is also a temporary part of your life. There is much, much more. Lesson number 2. Do you know why most of the people on this planet are not happy today? Because they have doubt on themselves. भाई लोगों ने खुद पे इतना doubt कर रखा है कि वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। वो कोई भी काम करने जाते हैं ये सोचने लगते हैं यार मुझसे नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है यार? जब आप खुद के mind में इतने doubts set कर लेते हो तो कृष्ण भी बोलते हैं कि अगर आपके दिमाग में doubt है अपने आप को लेके, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। तो खुद पर डाउट करना बंद करो और कर्म पे ध्यान दो, इंस्टेड ऑफ यू नो डाउटिंग योर सेल्फ एंड स्टॉप डूइंग द वर्क। और इसके बाद आता है गीता के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय श्लोकों में से एक माना जाता है इसे, दैट इज कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तु भूर्मा तु संगोस् तो कर्मणी 2.47 ओके अध्याय 2 श्लोक 47। इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप डूइंग अ लॉट लेस देन दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इन देयर लाइफ। इट हैपेंस मोस्टली ड्यू टू द रीजन दैट दे इधर सिडेटेड बाय प्लेजर और पेन। एवरी एक्ट ऑफ देयर स्टेम From a wish to get rewards. वो जो भी एक्शन करते हैं वो इस स्वार्थ में करते हैं कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए कृष्ण ने कहा है कि अगर आप फल की चिंता करके काम करते हो तो आप कभी भी फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, और अगर आप फल की प्राप्ति कर भी लेते हो तो आप उन फलों में इतना उलझ जाओगे कि आप कुछ आगे बढ़ा नहीं कर पाओगे। तो दिस वॉज द बेस्ट लेसन एंड द बेस्ट कोट दैट आई लिसन्ड yesterday, and this also cleared up my mind to create more content without even being result driven. The one who does works on a daily basis consistently with the main aim of growing, and even if he doesn't grow that much, but even if he consistently do the same, he will grow definitely. सोचो अगर स्टीव जॉब ने कुछ नया करने से डरे होते या ये सोच के काम नहीं किया होता कि यार हम लोग फेल हो जाएंगे, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स ये सोच के ना लिए होते कि हम लोग फेल हो जाएंगे, तो क्या आज एप्पल उतनी सक्सेसफुल होती?
जितनी वो आज है, बिकॉज अगर वो इनोवेट नहीं करते, अगर वो इनोवेशन से डरते तो आज वो उतने सक्सेसफुल ऑफकोर्स नहीं हो पाते. एप्पल इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन. एंड व्हेन अ पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय पोटेंशियल ऑफ सक्सेस और फेलियर, ही इज मोर लाइकली टू पोर इन ऑल हिज एनर्जी इन स्मॉल डे टू डे एक्शन. कृष्ण ये भी कहते हैं कि एक्शन से कभी मत भागो, अपने कर्म से कभी मत भागो. डू नॉट एब्सटेन फ्रॉम एक्शन, इट डजेंट हेल्प. नाउ रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज विल नेवर गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल. स्पिरिचुअल विजडम और इटर्नल पीस, दीज थिंग्स कैन नॉट बी अक्वायर्ड बाई फोर्सिंग फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स. मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प नहीं करेंगे यार आपके गोल को अचीव करने में. इट इज यू हु हैव टू डू इट. अपने कर्म से दूर मत भागो. इन फैक्ट इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटी विच इज लिविंग इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू फुलफिल ऑल ड्यूटीज विद अटमोस्ट डेडिकेशन. जितना ज़्यादा काम कर सकते हो, जितनी लगन से कर सकते हो, उतना लगन से करो और फल की चिंता मत करो. और अपने कर्म से जो इंसान भागता है वो ढोंगी होता है. व्हाट डू आई मीन बाय ढोंगी? देखो, जो इंसान बोलता ज़्यादा है और करता कम है उसकी वैल्यू अपने आप ही नीचे चली जाती है. एंड उस इंसान से आपको भी बचना चाहिए. एक और श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही थी जो कि मुझे बहुत लगी. वो बात ये थी कि जैसे एक शीशे पर चढ़ी हुई धूल उसके रिफ्लेक्शन को ख़राब कर देती है, वैसे ही जो सेल्फिश एटीट्यूड है ना आपका, वो आपको सच्चाई देखने से रोक देता है. अ सेल्फिश पर्सन कैन नॉट परसीव द ट्रुथ एज इट व्हेन टैकलिंग रिलेशनशिप इश्यूज इन डे टू डे लाइफ ड्यू टू हिज नेचर. जो इंसान सेल्फिश हो जाता है ना, वो आए दिन डिफ़िकल्टीज फेस करेगा. वो अपने कस्टमर्स से अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, वो अपने आसपास के लोगों से कभी अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, वो अपनी फैमिली मेम्बर से भी कभी अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा. तो आपको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी सेल्फिशनेस को साइड रखना पड़ेगा. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फिश होना बुरा है, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सेल्फिश. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझसे कोई मेरा टाइम मांगता है, अगर मुझे उस टाइम पे कुछ और काम करना है, तो मैं उधर सेल्फिश हो जाता हूँ कि यार आई हैव टू डू सम वर्क एंड देयरफॉर आई कांट टॉक राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर. अगर मैं हमेशा सेल्फिश बिहेव करूँ तो क्या कोई मुझसे बात करना चाहेगा कभी? शायद नहीं. तो अपने कर्म पे ध्यान दो और विदाउट सेल्फिशनेस अपने आसपास के लोगों के साथ रहो. वेदर अ पर्सन विशेस टू गेट मटीरियल वेल्थ, सक्सीड इन प्रोफेशन और अक्वायर स्पिरिचुअल विजडम, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पर्सनल एजेंडा कैन बी वेरी हार्मफुल, चाहे वो कोई भी स्टेज हो लाइफ का. क्योंकि ये जो एंड इसका रिजल्ट होता है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो यू शुड बी ओपनड अप और सबके बारे में सोच के चलो. सो द लास्ट लेसन दैट आई कैन टेल यू इज दैट श्री कृष्ण एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं, दैट यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज योर एंगर, बिकॉज एंगर डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो ना, आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, साथ ही में आपकी माइंड की जो क्लैरिटी होती है ना, वो एकदम ज़ीरो हो जाती है. तो इस केस में अगर आपने अपने एंगर को मैनेज करना नहीं सीखा, तो दिस कैन डिस्ट्रॉय योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, यू कैन बी इवन डिप्लॉयड फ्रॉम योर जॉब. जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस बात को जानते हैं और अपने गुस्से से हमेशा बचते हैं. महाभारत में भी दुर्योधन का भी जो गुस्सा था, उसे समझ थी कि क्या सही है और क्या गलत है, पर उसके गुस्से ने उसकी सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो गई और शायद इसी की वजह से जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो हुआ. सो द गीता सेज डू नॉट बी डाउटफुल और स्कैर्ड ऑफ ड्रीमिंग बिग एंड पुट ऑल द रिक्वायर्ड एफर्ट्स ऑन टू मेक इट कम ट्रू. एट द सेम टाइम नेवर लेट ईजियर गोल्स डिस्ट्रैक्ट यू एंड मेक यू लूज योर फोकस. इट मे बी टफ बट नॉट इम्पॉसिबल.
जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। अपनी रियलिटी को देख के कभी भी सेटल मत हो जाओ। अपने ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद बनाना है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नो जस्ट ओपन अप माई माइंड एंड नाउ आई हैव अ ब्रॉडर विजन अबाउट द वर्ल्ड। आई विश एंड आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे द लेसन ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।